तेल के साथ तो मैं कर रही हूँ, कल से मैं जी तेल लगा के मेरा पड़ा हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के हल्का हल्का हाथ मारे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको शफाए कामला से नवाजें, दिली मेरी दुआ है। इसके साथ ही आप और जिक्र ले लें, या रहमान हो या रहीम हो, या रहीम, ये पढ़ा करें चलते फिरते, इसको अपने मन में बसाएं और इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से लो लगाएं, इसी में इंसान हमारी खैर भी है, बेहतरी भी है और अल्लाह का करम और फजल भी है। ठीक है, ये कितनी बार पढ़नी है? ये खुला पढ़ें आप। अच्छा ठीक है, ये आपके लिए मैंने खुला जिक्र दिया क्योंकि आपके अंदर जो रूहानी कैफियात झलक उनकी जो नजर आई है वो ये चाहती है कि आप जिक्र करें। ठीक है, ठीक है, या रहमान हो या रहीम हो। और जो मैंने अभी घर के बारे में कहा था वो मुझे प्लीज कोई बता दे, कोई कलाम वगैरह बता दे या कोई नफल बता दे, मैं पढ़ा करूँ वहाँ पे। अपने घर में दो रकात नमाज नफल मैंने जिस तरह बताया वो पढ़े, लेकिन इसके लिए घर के लिए आप ऐसा करें, एक मसूर की दाल होती है जी, मुझे पता है मसूर की दाल। हाँ, मसूर की दाल लेके ना 14 स्टांग, कितने लेंटल्स, ये 14 स्टांग, ये तकरीबन 800 ग्राम ले लें आप। 800 ग्राम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 800 ग्राम ये मसूर की दाल जी, बिल्कुल इस, मैंने लिख दिया है जी। हाँ, इसको रात को रखें घर में, सुबह सारे घर में फिरा के जब रात रखेंगी थोड़ी सी बोझल सा महसूस होगा, घर थोड़ी सी कोई इशारा मिल सकता है, कोई बाजू को पकड़ के खींच सकता है महसूस होगा, लेकिन कोई इंसान नहीं होगा, कोई मावराई कुतों में से सुपरस्टिशियस पार जो होती हैं उनमें से कोई लहर ऐसी हो सकती है, बाज़ुकात पाँव की तरफ से खींचाता नहीं हो सकती है, बाज़ुकात हाथ की तरफ से। जिस तरह ही आप ये सुबह दाल उठा के किसी जानवरों को डालेंगे या किसी जगह इसे सदका कर देंगी तो इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी, फिर आपका घर जो है बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हल्का हो जाए। उसमें 3 अगरबत्तियां फिर जला के, अगरबत्तियां लेनी है 3 अगरबत्तियां, ठीक है, तो उसे आपने जलाना है और उसके साथ ही जब उनकी फ्रेग्रेंस शुरू हो तो 2 रकात नमाज नफल। अच्छा, रात को सोने से पहले, ठीक है, ठीक। अगले दिन, पहले दिन तो आपने अमल किया जी, और फिर वो बत्तियां जलाई, बत्तियां जला के अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे रो के दुआ, परवरदिगार मेरे घर के अंदर खुशू व खुजू की कैफियत पैदा फरमा, जो भी इसके अंदर गड़बड़ है, जो भी उबते हैं नेगेटिव, उनका खात्मा फरमा कर अपनी खास रहमत से, अपने खास करम से हमें नवाज और हमारे जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करके हमारे ऊपर अपनी रहमत और अपना साया और अपना करम फरमा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक अच्छा फरमाएंगे, इसमें आपकी काफ़ी बेहतरी होगी और जैसे जैसे आप पहच जाएंगी अगले हफ्ते में भी आप बात कर सकती हैं, इसी में कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मामलात को अल्लाह के करम में लाया जाए, कोशिश पूरी करेंगे अपनी तरफ से, बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, खुदा हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ कहते हैं आपको, और जीना दिन आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा रूहानी मसाइल और आपके लिए लाइफ नंबर आपके लिए मौजूद है, साथ साथ कस्टमर केयर का नंबर मौजूद है, उस पर भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं रब्ता। आप भी कोई पढ़ने के लिए सदका जिक्र या दम करना चाह रहे हैं, रूहानी कोई हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है जो टीम शर आपके लिए पेश कर रहा है, और रूहानियत के हवाले से हम काफ़ी प्रोग्राम में जो सेगमेंट भी होता है हम बातचीत भी करते हैं कि रूहानियत में काफ़ी मसाइल के हवाले से, और ये भी जैसे कि अभी देखने में आए कि घर पर नहीं दिल लग रहा, इसमें भी हाँ, इसमें कुछ जगहों पे पिछले प्रोग्राम में मेरा ख्याल हमने डिस्कस भी किया था इसको, कि बाज़ जगहों पे घरों के अंदर ऐसा हिसाब होता है जिसमें कोई नया बंदा जाए उसके उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, खाना हालांकि बहुत अच्छा होगा, कुछ होता है कि घर से निकलने का दिल भी नहीं करता, हाँ उसमें टेस्ट बाज़ घरों के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी खुजू की कैफियत होती है, जहाँ के सफाई अल्लाह के जिक्र किए जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम है नज़ाकत अली। नज़ाकत अली, ठीक है, अपने बारे में जानना है कुछ? जी जी, आपकी वालदा का नाम? विलायत बेगम। विलायत बेगम, और डेट ऑफ बर्थ पता है आपको?
जो आइडियल है 58 का हूँ, सही डेट ऑफ बर्थ। अच्छा 58 के मैं सर नहीं पता। अच्छा तो क्या पूछना है? पूछना ये है कि मैं तकरीबन काफी अरसे से बेशुमार मसाइल से दो चार हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल तो या आस्ता इन मसाइल से कभी घबराते हुए, कभी आज ठीक हो जाऊंगा कल ठीक हो जाएगा सिलसिला ऐसे ऐसे करते मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ कि अब ना तो मेरे पास काम है ना काम करने को जी करता है। नमाज के लिए अगर मैं खड़ा होता हूँ तो जो 20 साल पहले की बात है वो जहन में आ जाएगी, रुकू सुजूद में जाने से कुछ और ख्याल आ जाएंगे। यानी कि परेशान रहते हैं कोई भी आप, यानी कि सुकून नहीं है इसका मतलब? सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, जहनी टेंशन ऐसा है तो ये जहनी टेंशन बहुत ज्यादा है। और आप जो है तकरीबन पिछले 3 बरस से तकरीबन मेरे पास जॉब भी नहीं है, और ना ही मुझसे कोशिश होती है कि मैं बाहर निकलूं और जॉब को ढूंढूं। मेरा खुदा गवाह है इस वक्त मेरे पास सिर्फ 90 पाउंड है, घर पर मॉर्गेज भी है और कुछ समझ नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। मैं जहन उलझा हुआ है और ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कुछ करने के लिए पर कोई चीज मुझे ना उधर जाने नहीं देती है। अच्छा बिल्कुल जी, राणा साहब आपके साथ हम रूहानियत के हवाले से बताएंगे आपको, ठीक है? बाकी आपके जी कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बर्मिंघम से जी। बर्मिंघम से बात यह है जी। आपके मामले के अंदर ये मुकम्मल तौर पे जिस तरह एक चीज कैफियत तकरीबन 20 साल से ही आपका मसला है जी, आज जी, का नहीं है जी जी, ये 18 से 20 साल से ये कैफियत चली आ रही है जिसमें मुकम्मल बंदश जो काम आप करते भी हैं पैसे किसी न किसी जगह लग जाते हैं आपके। बिल्कुल यही बात वो है। ऐसा सिस्टम ब्लॉक है कि उसके अंदर रुकावटें रुकावटें हैं, उलझने ही उलझने हैं। जिधर भी आप पैसे कमाएंगे तो कोई ना बाजू का ऐसा काम पड़ जाएगा उसमें सारे पैसे चले जाएंगे जी जी पैसे आप रख नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, आप तो ये हालात है कि सिर्फ 92 पाउंड है मेरे पास। नहीं वो आपने बताया ठीक है, मैं समझ गया हूँ। तो लेकिन हाँ जी कर ले, मेरा एक बच्चा है वो मेरे साथ रहता है जी, वो काफी मदद करता है घर के सिलसिले में। अब मुझे ये भी लगता है वो भी मुझसे फायदा होता जा रहा है। असल में जो पैसे आपको मिलते हैं ना जी, अगले बंदे के भी पैसे ब्रेक होने की बीच में लहर आ जाती है। ये लहर जो बंदा आपको पैसे देगा ना जी, उसके पैसे भी रुकने शुरू हो जाते हैं। कुछ कैफियाती हिसाब जब हम देखते हैं अच्छा मामलात के अंदर, एक बंदे के अंदर मैंने लिखा भी है इस पे, बास को किसी ने कुछ थोड़ी मदद की, जो बास जगहों पे ज़वाल चल रहा होता है, कुछ कैफियात ऐसी इंसान के साथ चल रही होती हैं जो पैसों का ज़ाया पैसे होते रहते हैं। ठीक है जी, बिला वजह ही कोई काम निकल आएगा। बिल्कुल जो काम बिल्कुल आपने पैसे रखे संभाल के, जब आपकी जेब में पैसे आए तो एकदम से एक मामला ऐसा बनेगा कि पैसे सारे खर्चे जाएंगे, फिर बीच में लग जाएंगे जी। फिर जो देने वाले होते हैं उनके ऊपर भी इसके असरात थोड़े से होते हैं, उनकी कैफियत के ऊपर भी थोड़ा सा हिसाब चलता है। जब असल में ये जकड़बंद जो लगा हुआ है, जो आपकी ये कैफियत है जी, इसमें कुछ ऐसी कुवतें मावराई कुवतों का अमल दखल है जिसमें सुपरस्टिशियस पावर, जो बंदा बाज जगहों पे किसी के सामने आए तो वहां पे अजीब गरीब कैफियत होती है, बाज जगहों पे बाज लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके पैसे, अब ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जिनके पैसे गायब हो जाते हैं, वो रखते हैं वहां से पैसे कम हो जाते हैं, या सामने बैठे ऐसे केसेस भी मेरे प्रैक्टिकल में आए कि टेबल के ऊपर पैसे रख के वो देखते रहते थे घर वाले कि अब कितने देर से ये पैसे जाएंगे, वो थोड़ा सा सामने देख रहे हैं सामने टेबल से नोट गायब हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तौफीक बख्शी कि हमने उसको पुराने करीम से देखा, बड़े बड़े फकीरों दरवेशों ने उन्हें कहा कि आपके पैसे जा नहीं सकते हमारे कहने से, लेकिन फिर भी जाते रहे। आज 10 साल हो गए उस बंदे के पैसे कभी निकले नहीं ना गए, बल्कि गाड़ी पे वो बैठते थे तो पैसे जेब में रखते थे, जेब से गायब हो जाते थे। तो ये कैफियात बास बंदों के साथ
ये बड़ी अजीब व गरीब और इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरियाँ होती हैं रूहानियत में, जब हम हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जब हमने हम अपने तरीकाकार के मुताबिक उनकी काट बताते हैं, उसका हल बताते हैं, तो फिर वो फिर जब पहले हमारे पास आए तो उन्होंने कहा जी बड़े लोगों ने ये कहा कि ये आपके पैसे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर हमारे पैसे गायब हो जाते हैं। मैंने कहा कि देखो जी अल्लाह ने सही परवरदिगार ने करना है, लेकिन ये कुरान करीम के जोर से इंशाल्लाह रुकेंगे, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह ने ऐसी कुव्वत रखी है, लाजवाल कुव्वत रखी है, जब क्योंकि इस इल्म को बाज़ जगहों पे बिल्कुल लोगों के मामला सही रहते हैं, बाज़ जगहों पे ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा ना आए, कुदरती हर्डल्स होती हैं, या हमारे पढ़ने पढ़ाने में कहीं कमी रह जाए, या हमारी कैफियत के अंदर वो रंग ना चढ़े जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है, क्योंकि बाकी जितना देखा जाता है उसमें खैर जरूर होती है परवरदिगार के पाक कलाम से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप या मुकीत हो या मुजीब हो, या रहमान हो या रहीम हो पढ़े, और मज़ीद बात अगर आपने करनी है तो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके खुल के नहीं बता सकता। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ एक ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक रूहानी मसाइल लेकर, रूहानी मसाइल एडवर्टाइजमेंट एंड एंटरटेनमेंट।